हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस थंबनेल से तो आज आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि ये वीडियो जो है वो है मेरे सेमेस्टर टू के बुक्स के अनबॉक्सिंग के बारे में, कि मैं अभी आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करने वाली हूँ, जिसमें कि मेरे सेमेस्टर टू के डीवाई पाटिल पुणे के सारे बुक्स हैं। इसको आप लोग के सामने अनबॉक्स करेंगे। एंड अभी तक देखो आप लोग पूरा पैकेज्ड है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला है, अभी आपके सामने ही खोलेंगे। और लेट्स सी कि कितने बुक्स आए हैं और सारे मैं अभी आप लोग के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी। ओके, सो मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स भी आए थे और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए थे कि मैम आप कब रिसीव करोगे अपने बुक्स को। तो लगभग 10 डेज हो गया था डिस्पैच किए हुए, आज मुझे फाइनली ये रिसीव हुआ है। तो आज मैं इसको अनबॉक्स करके आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक औजार है, इससे हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो पैकेजिंग दिखा देती हूँ मैं, कुछ इस तरीके का पैकेजिंग आता है, ठीक है। लाइक इस तरीके का रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा, लाइक एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, एंड कॉन्फिडेंशियल है वो। और बाकी चीज़ें मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें बाहर से दिखाने लायक कुछ नहीं है। काफ़ी पैकेजिंग अच्छे से की गई है कि जिसको रिसीव हुए वही नहीं खोल पाए, बट फाइनली मैंने खोल लिया। सो इसके अंदर भी अच्छी खासी पैकेजिंग है। सिंस ये दुबई बोल रही है, सॉरी, सिंस ये मुंबई से आता है, तो ये लोग काफ़ी अच्छे से उसको पैक वैक करके भेजते, ताकि रास्ते में कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए इन बुक्स के साथ, और ये अच्छे से अपने एक्चुअल पर्सन तक पहुंच पाए, यानी कि मेरे तक। सो ये अब ज़्यादा खुल गया है, इसको हम लोग पूरा निकाल लेते हैं। ओके, सो फाइनली सारे बुक्स जो हैं वो ये देखिए बुक्स, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ आप लोग अच्छे से दिखाने के लिए। सो दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई हैव रिसीव्ड। तो अगर हम इसको काउंट करें तो मैंने टोटल रिसीव किया है 5th जो मैंने रिसीव किया है वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS का, और 6th जो मैंने रिसीव किया है वो काफ़ी मोटा तगड़ा बुक है, जो कि कौन सा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी, तो ये वाली बुक है। तो दीज आर द 6 बुक्स दैट आई हैव रिसीव्ड। तो इन 6 बुक्स को मैंने रिसीव किया है, एंड आई गेस 6 ही सब्जेक्ट्स हैं, और अगर उससे ज़्यादा भी हैं तो आई जस्ट मेंशन इट, बिकॉज मुझे चेक करना पड़ेगा, अभी मैंने चेक नहीं किया है। और ये 2 बुक्स काफ़ी मोटे मोटे हैं, यानी कि अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी इनके लिए। एक कौन सा है ये, एक ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला बुक और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसीज, ये दोनों बुक्स काफ़ी मोटे तगड़े हैं। ये दोनों देखो आप, इसका थिकनेस देखो एक बार, एक ये है और एक ये है, अच्छे खासे मोटे तगड़े हैं। सो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर नंबर 2 में। एंड बाकी के जो बुक्स हैं वो सब ठीक हैं, मतलब पतले तो नहीं है बट ठीक है कंपैरेटिवली। तो ये 6 बुक्स मुझे टोटल रिसीव हुए हैं गाइस। तो आज मैंने आप लोग के सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है, एंड अगर आप भी सेमेस्टर 2 में एनरोल हो गए तो आपको ये 6 सब्जेक्ट्स के बुक मिलेंगे। एंड बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि क्या हर सेमेस्टर में बुक्स मिलते हैं या फिर सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में बुक मिलता है। तो जी हाँ, हर सेमेस्टर में आपको बुक मिलेगा, यानी 4 सेमेस्टर में आपको बुक्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस TPU पुणे में नहीं देनी पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी, जो कि मैंने कर दी। तो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। एंड मैंने सोचा कि जब DPU से हर चीज़ रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो क्यों नहीं बुक्स अनबॉक्सिंग भी शेयर करूँ। और कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, सो जो रिजल्ट का जो डेट है, लास्ट डेट,
मतलब टेंटेटिव डेट, नॉट लास्ट डेट, जो रिजल्ट आने वाला है सेमेस्टर वन का जनवरी बैच वालों का, वो अराउंड 25 to 30 अक्टूबर के बीच में आने वाला है. ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट. एंड क्योंकि ये मुझे आइडिया लग गया है, मतलब अभी मैंने थोड़ा इसके ऊपर लोगों से पूछताछ की तो मुझे ये पता चला है, और कुछ लोगों को ये चीज़ का डाउट भी था कि कब रिजल्ट आएगा, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे. सो दिस इज द आंसर कि 25 to 30 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा कन्फर्म. और मेरा भी जब आ जाएगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर उसको शेयर करूंगी, और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स में. ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. आई होप कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.